नागौर के कुचामन सिटी में लॉकडाउन के तहत अब पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इसके तहत सभी वार्डों में परिवार के एक सदस्य का फोटो युक्त कार्ड बनाया जाएगा। ये कार्ड 7 रंग के होंगे जो वार्ड के अनुसार दिए जाएंगे। परिवार के एक कार्ड धारक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन 8 बजे से 11 बजे तक खरीदारी का मौका दिया जाएगा। उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने बताया कि जिले में यह पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो लागू किया जाएगा और लॉकडाउन बढ़ता है तो यह प्रोजेक्ट लागू रहेगा। हमने नवीनीकरण के रूप में हम ये करने जा रहे हैं कुचामन सिटी में कि हमने 7 कलर के साथ पास बनवाए हैं। इस तरह से ये 7 वार्ड के हिसाब से है, अलग अलग कलर में है। तो हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में न्यू कॉलोनी में इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें यह है कि प्रत्येक परिवार को एक कलर का पास एक निश्चित दिन के लिए दिया जाएगा और परिवार में जाके उस व्यक्ति की जानकारी ली गई है। हम ये चाहते हैं कि उस सप्ताह में उस परिवार का केवल एक व्यक्ति उस दिन को 8 से 11 बजे के लिए बाहर निकले, अन्य कोई सदस्य घर से बाहर नहीं जाए। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। यदि इन 3 तारीख तक लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो इसको पूरे कुचामन सिटी में लागू किया जाएगा और इस दौरान हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस व्यवस्था में क्या खामियां हैं या क्या हमें वो सुधार करना है, क्या क्या समस्या